दोस्तों ये देखो शक्ति टेक्नोलॉजी की तरफ से आने वाला 35 लीटर का वैक्यूम क्लीनर, और इसके अंदर कुछ हाई टेक्नोलॉजी, कुछ नया टेक्नोलॉजी इसके अंदर कुछ बिल्ड है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखो टेबल वर्क है, 35 किलो हमने मंगा लिया रेती, और ये डब्बा भर के मंगा लिया हमने पानी। और ये देखो मेरे कार के अंदर का हालात दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अंदर का गंदा दिखाओ, इंटीरियर क्लीन है ना, ये वैक्यूम क्लीनर से हम इंटीरियर भी क्लीन करने वाले। और बात ये है कि भाई ये जो वैक्यूम क्लीनर, इससे मल्टीपल काम कर सकते हो, फ्लोर क्लीन कर सकते हो, बाद में जो मैट क्लीन कर सकते हो, बाद में कार इंटीरियर क्लीन कर सकते हो, बाद में जो ये देखो ना, देखो हमने तो इतना सारा रेती वगैरह मंगा लिया, उस पूरा कचरा को अंदर खींच लेंगे। सॉकिंग पावर भी इससे दिखाएंगे, मतलब इस पावर जो है ना कितना ज़्यादा खींचने का पावर है वो दिखाएंगे। और ये जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, 35 लीटर का वैक्यूम क्लीनर है, जो नॉर्मली जो 35 का जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें इतना पावर नहीं, तो सक्शन पावर नहीं होता है। कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा सक्शन पावर वाला ये मशीन है, तो हम प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ करके देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। आप इसमें कई सारा, जैसे कि लोग प्रोफेशनली यूज़ करते हैं ना, वॉशिंग सेंटर में यूज़ करो, सर्विस सेंटर में यूज़ करो, और कहीं पर भी मतलब अपने हिसाब से प्रोफेशनली कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बिल्कुल एकदम हैवी ड्यूटी मशीन है। चलो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ और सीधा अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर कुछ खास बात है, मैं आपको रिपीटली बोल रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा मशीन में क्या क्या खासियत है। प्रैक्टिकली मैं आपको उसको यूज़ करके बताने वाला हूँ। ये देखो चलो पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ये ऊपर दिया हुआ है, ये वाओ बलून पैक देखो सेफ्टी के लिए दिया है इसको, और ये है एक्सटेंशन पाइप, दो दो पाइप दिया हुआ है, वाओ। तो जॉइंट कैसा होगा, यस ये देखो ये कितना स्मूथली जॉइंट हो गया, देखो इसको साइड में रखता हूँ, यहाँ पर नहीं कहाँ रखूँ इसको, और यहाँ पर ऐसा रहेगा, यस। इसमें कई सारा कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ है जो अभी तक मैंने किसी वैक्यूम क्लीनर में देखा नहीं है, इसमें कुछ अलग है, हटके है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, मैं आपको रिपीटली बोल रहा हूँ, आप देखो बस अभी बड़ा है। ओहो निकलते साथ ही अंदर से देखो कितना कुछ निकल गया है, ठीक है ये सब जगह पर पूछ रख देते, ये सब नहीं चाहिए। दोस्तों ये देखो सबसे मेन बात है, आपको दिख रहा है ये वाओ स्टील का बॉडी है वो, लेकिन देखो ऊपर से पाउडर कोटिंग किया हुआ है ताकि ये लॉन्ग टाइम चले, कोई जंग ना लगे, कुछ भी ना हो। देखो वाओ पाउडर कोटिंग किया ऊपर से, ये कुछ हटके लगा मुझे, क्योंकि अब तक मैं ऐसा कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं देखा जो नॉर्मल स्टील का हो प्लस इसमें पाउडर कोटिंग किया हो, ये कुछ नया था। इसमें क्या हो जाएगा, बस में कोई मतलब लॉन्ग टाइम में कोई जंग वंग लगने वाली कुछ बात ही नहीं हो जाएगा। ये देखो और अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये है फिल्टर, और उसके अंदर वाओ ये भी दिया हुआ है, ये तो और ज़बरदस्त है। ये देखो ये और एक फिल्टर देखो ज़रा, ओ हो 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 ये कुछ नया है, देखो ज़रा ऐसा वाला किसी गाड़ी के इंजन में जिस तरह का रहता है ना, ये देखो उस तरह का फिल्टर दिया हुआ है, देखो वाओ ये कुछ नया है भाई साहब। मैंने आज तक ऐसा इस तरह का वाला डिज़ाइन है ना, ये मैं अभी तक किसी भी वैक्यूम क्लीनर में नहीं दिखा मैंने, तो डबल वैक्यूम क्लीनर इसमें दिया हुआ है इस तरह का। ओ हो हो ये कुछ हटके लगा मेरे को, ठीक है। और इसका भी कुछ संख्या नहीं है ना, ऑटोमेटिकली क्लीन करता है फिल्टर को, एक बटन दबाएंगे बाद में इससे ऑटोमेटिकली फिल्टर क्लीन। तो इसका भी एक सिस्टम है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर दो दो फ्लोर क्लीनर का सिस्टम दिया हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट कैसा है ये फ्लोर, इसमें क्या क्या आता है सामान। ये इसको रबड़ है इसमें दिया हुआ है, ये फ्लोर क्लीन करने के लिए है। मैं काम करूँगा, हमारा घर के अंदर पानी गिरा है इससे फ्लोर भी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगा। यस ये देखो ये ब्रश टाइप है, वो ये वाला रबर टाइप है, इसमें ब्रश टाइप है, आपको देख रहे हैं इससे आप नॉर्मली ऐसा घिस के भी ऐसा क्लीन कर सकते हो। ये देखो दो दो टाइप दिया, रबर टाइप है ये ब्रश टाइप है, ठीक है। अब ये दोनों को हम साइड में रखते हैं। वो भाई साहब वो हो ये देखो स्ट्रेचेबल पाइप, ये कुछ और एक जादू है, देखो जरा स्ट्रेचेबल पाइप काफ़ी लंबा पाइप है। आओ इधर आओ देखते, इधर आओ, जैसे कि समझो कि मैंने यहाँ पर एक मशीन को रखा है यहाँ पर, ठीक है, और देखते कितना लंबा होता है पूरा कार को कितना राउंड मात्रा में देखता हूँ। जैसे मशीन एग्जाम्पल रुका है, अगर स्ट्रेचेबल पाइप है तो ओहो मतलब ऐसा है, देखो जरा मशीन को बस आप एक जगह पे रखो और पूरा स्ट्रेच करके देखो कितना लंबा हो जाता है, कितना लंबा पाइप स्ट्रेचेबल पाइप, तो जादू है भाई साहब। ऐसे इस तरह का क्वालिटी एकदम हैवी क्वालिटी है, इतना क्वालिटी जबरदस्त और इतना स्ट्रेचेबल मैंने आज तक किसी भी वैक्यूम क्लीनर में देखा नहीं इस तरह का क्वालिटी में भाई साहब। स्ट्रेचेबल वैक्यूम क्लीनर का पाइप है वो, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मज़ा आ गया। देखो जरा कितना स्ट्रेचेबल, देखो
छोटा होने के लिए तो एकदम छोटा हो जाएगा और बड़ा होने के लिए काफी देख लो कितना मीटर का अंतर। अच्छा ये कम से कम 5-6 मीटर के आसपास है, इतना लंबा हो जाता है भाई साहब, मजा आ गया। ये कुछ जादू है, बिल्कुल जादू हो गया है, वाओ। और क्या देखते, चलो ये हो गया सक्शन पाइप देखो, और छोटा होने के लिए देखो कितना छोटा हो गया है। ये सिर्फ होने के लिए नॉर्मल डायरेक्टली 5-6 मीटर लंबा हो जाता है, और छोटा होने के लिए देखो सिर्फ 1-1.5 मीटर छोटा हो जाता है, वाह। और इसमें दिया है इंटीरियर क्लीन करने के लिए ये ब्रश, कार के नीचे का जो भी मैट वगैरह इसको क्लीन करने के लिए ऐसा घिस के ऐसा अच्छा रहता है इससे ब्रश। अरे देखो दूसरा मेन नोजल है ना, इससे कचरा वगैरह क्लीन करने के लिए दिया है। प्रैक्टिकली मैं आपको हर चीज़ आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ। और ये है, अच्छा ये हैंडल लग जाएगा, हम इसको सब कुछ स्टेप बाई स्टेप करके फिट करने वाले हैं। ये है व्हील है ना, जो ड्रम के नीचे लग जाएगा, तो हम इसको अभी कभी लगा देते हैं। आपको देखा स्टील का है वो, प्लस पाउडर कोटिंग है भाई साहब, क्वालिटी के मामले में एकदम बेस्ट क्वालिटी है वो। ये देखो इसको लगा देते सब में ऐसा, और इसको हम ऐसा फिक्स कर लेंगे। ये देखो वाओ, ये ऐसा लग गया, ये ऐसा लग गया, और फिर इसको हम ऐसा लगा, यस ये लग गया। देखो ये लॉकिंग सिस्टम है, अगर आपको खोलना है इसको बटन दबाओ, ये इजीली खुल जाएगा। इसको लगाना है बस, इसे पुश करो, पुश करो, वो लग गया है दोस्तों। ये देखो इसके आगे हम इसको लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा, ये देखो ये चीज़ है, और इसको ऐसा लग जाएगा। देखो ये यहाँ पर इस तरफ फिक्स हो गया, इसका ऐसा इस तरफ फिक्स हो गया। आप ऐसा इस तरह का ऐसा ऐसा फ्लोर को ऐसा क्लीन कर सकते हैं, ये ऐसा सब ऐसा क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके ऐसा बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह का कनेक्ट करके करते हो। सर ये भी ऐसा हो गया, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ये देखिए ऐसा इजीली वैसा कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये वाला यहाँ पर लग जाएगा, ये इसको मैं नीचे रख देता हूँ। ये इस तरह का ऐसा यूज़ कर सकते हो इसका, ये देखो। और ये वाला जो ब्रश वाला है वो भी ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। ये तो आपने हर तरह कैसे मल देख लिया ना, अभी इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ये जो हैंडल है इसको भी फिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये देखो मैनुअल बुक दिया हुआ है, तो इस मशीन का फंक्शनलिटी क्या है, कैसे इसको असेंबल करना क्या है, डिटेल आपको जानकारी चाहिए, इस मैनुअल को भी पढ़ के आप इजीली जान सकते हो। वैसे मैं वीडियो में तो स्टेप बाई स्टेप बता ही रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो इसको मैनुअल पढ़ सकते हो। ये देखो ये जो हैंडल है हम ऐसा ऊपर लग जाएगा, जब ऐसा ये इस तरह का हम इसको फिक्स कर लेंगे। साथ में स्क्रू दिया हुआ है कंपनी वालों ने, यहाँ पर एक डालेंगे और यहाँ पर एक डालेंगे ऐसा। ये देखो ये ऐसा आप उठा के लेके जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसका मोटर की बात करेंगे तो दोस्तों ये है डबल स्टेज मोटर विद कॉपर वाइंडिंग, 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर है। देखो इसमें सिंगल स्टेज मोटर कैसा दिख रहा है और डबल स्टेज मोटर कैसा दिख रहा है, तो आपने दोनों में से साफ साफ तो अपने डिफरेंस देख लिया। इस वजह से इस जो वैक्यूम क्लीनर है इसका सक्शन पावर ज्यादा है। अब ये काम करेंगे, मैं आपको इस मशीन का पावर बताता हूँ। देखो रेती पहले खींचेंगे, फिर बाद में पानी खींचेंगे, देखेंगे वो कितना पावरफुल, कितना तरीक, मतलब कितना जल्दी फास्ट, कितना जल्दी से जो है ना इस रेती को और पानी को खींच लेते हैं, वो हम चेक करेंगे। क्योंकि कंपनी वाला तो बोलते हैं कि 35 लीटर में आज तक का सबसे मतलब बेस्ट पावरफुल वाला सक्शन पावरफुल वाला मशीन है ना, सक्शन सक कर लेता अपने अंदर, तो वो तो हम प्रैक्टिकली करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि कंपनी वाला तो हर कोई अपना प्रोडक्ट का जो तारीफ करेंगे, भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, वो तो प्रैक्टिकली पता चलेगा भाई इसमें सच में कितना दम है। तो काम करेंगे इसको आगे का जो है मैं निकल देता हूँ, और सीधा ऐसे ही हम खींचने वाले। तो मशीन को चला देते पहले, भाई साहब पावर तो बहुत ज्यादा है, देखा क्या आपने, ये देखो चिपक गया हाथ, इतना दम है, वाह मजा आएगा। हाँ एक्चुअली दम तो है, देखते हैं कितना पांच इसमें खींच लेते हैं। ये 35 किलो रेती पूरा खींच लेगा वो, यही तो उन्हें चेक करना है कि ठीक पता है कि नहीं, पूरा ड्रम भर जाने दो। ये देखो ओ हो, देखो जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ देखो पूरा तेजी से खींच के ले रहा है, देखो
वाओ, देखो जरा, देखो, ओहो, दिख रहा है आपको? देखो जहाँ पर मैंने पाइप लगाया वहाँ पर खाली, ये देखो कितना तेजी से खींच रहा है, देखो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको, खींच पाता नहीं है वो, देखिए देखो ये पत्थर, ये चला गया पर भर में चला गया, पत्थर चला गया है ना, वाओ वाओ मज़ा आ गया। एक काम करते, अभी तो हमने 35 किलो में से कम 15 किलो जो है ना वो खींच लिया रही थी, एक काम करेंगे अभी मशीन के अंदर हालत देख लेते हैं ना, चलो कितना भर गया वो देखेंगे। 15 किलो हमने ऑलरेडी डाल दिया है रेती अंदर, देखेंगे कहाँ तक भरा है, ये देखो हाँ वो भाई साहब, ये देखो इतना भर गया है, आपको दिख रहा है। चलो एक काम करेंगे, बाकी का कंटिन्यू जो है इसको भी पूरा खत्म कर देंगे दोस्तों। देखो बाकी का रेती बचा हुआ है, हम हार नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा खींच लेंगे। ये देखो पूरा रेती खींच लेंगे, और फिर बाद में जो बचा हुआ जो पानी है वो भी हम खींच लेंगे। काम करते थोड़ा रेती इसके अंदर भी डाल देंगे, पानी के अंदर उसके साथ भी खींच लेंगे, गीला रेती भी खींच लेंगे, क्योंकि वेट एंड ड्राइव है ना मशीन, पानी वानी सब खींच लेंगे। मेरे पास जो भी मशीन आता है ना खतरनाक हैवी ड्यूटी करके देखता हूँ, क्योंकि आप लोग लोगे ना, आप लोग तो नॉर्मली मैट क्लीन करोगे, सोफा क्लीन करोगे, या तो फ्लोर क्लीन करोगे, अपना कार इंटीरियर क्लीन करोगे, लेकिन मैं जो करके दिखा रहा हूँ भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये तो नॉर्मली मशीन से करते नहीं, पर फिर मैं करके देखता हूँ, क्योंकि आप लोग जब लोगे तो उसको लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए आना चाहिए ना, हैवी ड्यूटी आना चाहिए। अभी इस चीज़ को फैला हुआ है ना, धूल मट्टी ऐसा फैला रहेगा आपके फ्लोर पे, तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो ये जो चट्टा वाला इसको हम लगाएंगे आगे से ऐसा, अब उसको इसमें से खींचेंगे, ये देखो कैसा क्लीन कर लेगा, देखो वाह ये देखो खत्म। आपने देखा जहाँ से मैं लेके जाऊँगा अपना ये नोजल मिशन क्लीनर का जो पॉइंट है वो, देखो वहीं पर खत्म, एकदम नीट एंड क्लीन करके खत्म कर देगा। ये देखो पावर देखा क्या आपने भाई साहब, जबरदस्त वाह, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखो मज़ा आ गया, वो हो ये देखो, ये देखो दम है भाई साहब, दम है मशीन में दम है। ये देखो टेबल को एकदम क्लीन कर देंगे, मतलब ज़रा एक एक बूंद की दस्त इसके ऊपर नहीं रहेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे, पूरा क्लीन, दूर से एकदम खींच लेता है, आपने देखा क्या कितना फसल पावर है, देखो गायब, मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल एकदम वैक्यूम से पूरा खींच लिया, कुछ भी नहीं है केवल, वाह खत्म, कुछ भी नहीं है। अब ये काम करेंगे, पानी गिरा ये भी क्लीन कर लेंगे, देखो पानी को भी क्लीन कर लेंगे, हो गया। अब देखो बचा हुआ पानी, मशीन को हमने बंद नहीं किया, रेती को खींच लिया, अब क्या करेंगे कंटिन्यूसली जो है ना जो पानी है वो भी जाने को रेती के साथ पकड़ेंगे, कितना फास्ट जगह खींच लेगा, ये देखो खत्म भाई साहब, पानी पल भर में खत्म, ये देखो पानी खत्म, रेती खत्म, सब खत्म, ये देखो खत्म, कुछ भी नहीं है, देखा आपने दम भाई साहब, सक्शन पावर जबरदस्त, मतलब 35 लीटर में इतना जबरदस्त पावर, मशीन कंपनी वालों ने सही बोला था कि भाई मशीन में दम है भाई साहब, बहुत ज़्यादा दम है। अब ये काम करेंगे, कार का इंटीरियर भी क्लीन करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे अंदर का क्या हाल है ना, इसको मैं निकाल देता हूँ, पहला देखेंगे कैसा है अंदर का हाल। ये देखो पानी गिर रहा है, इतना ज़्यादा पानी कौन खींचता है ये देखो गिर रहा है पानी, चलो ये देखो पूरा गीला, चलो जाओ रेती वहाँ पर फेंक के आओ, पूरा रेती और पूरा पानी मिक्स हो गया अंदर, रेती गीला रेती वगैरह सब क्लीन करके लेके आए है ना, बाकी फिर से हम ऐसा फिल्टर डालेंगे अंदर, देखो पूरा डस्ट है ना, इसका भी इलाज करेंगे हम अभी, ये देखो ऐसा इसको लगाओ है ना, और इसको बाद में फिर से ऐसा हम लगाएंगे इसको, हाँ इसको लॉकिंग साइड कहाँ है यहाँ पर ऐसा, देखो मैं आपको जब जादू दिखाता हूँ, इसको ऐसा लगाएंगे। अब जैसे कि उसका जो फिल्टर है वो क्लीन करना है ना, बस खाली मशीन को ऑन करो और ये वाला पॉइंट है ना ये बटन उसको दबाओ, ऐसा दबाओ, हो गया ऐसा, आपने जैसे दबाए ना बस अंदर का जो फिल्टर है वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, मतलब जादू जैसे दस्त से क्या होता है कभी कभी फिल्टर पैक हो जाता है, बस उसको खाली दबाना होता है, ऐसा दबाओ बस हो गया, इतना
आसान तरीके से फिल्टर एकदम क्लीन हो जाएगा। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये वाला जो आइडिया, ये जो ट्रिक है, मैंने आज तक किसी वैक्यूम क्लीनर में नहीं देखा कि भाई एक बटन दबा और पूरा अंदर का जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही क्लीन कर लेगा। ये कुछ जबरदस्त चीज है इस मशीन में, जो मैंने आज तक किसी मशीन में नहीं देखा है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, कार का इंटीरियर क्लीन करेंगे। उस वजह से हमको क्या चाहिए, ये ब्रश टाइप है ना, ये वाला चाहिए। इसको हम लगाएंगे, उसको साइड कर देंगे। ये देखो कार का अंदर का जो एकदम गंदा है वो निकल देंगे। मतलब आप अपने सहूलियत के हिसाब से जिस तरह का नोजल चाहिए उस तरह का नोजल लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको ऑन कर देंगे पहले, गंदा है नीचे पूरा गंदा जो है, ये साइड भी दिखाओ। हाँ देखो पूरा गंदा ऐसा खींच लेंगे। ये साइड में दिखाओ, हाँ इस आरू को, हाँ ये देखो जैसे मैं ब्रश को मारूंगा ना अंदर से डीप क्लीन करके वो बिल्कुल एकदम क्लीन कर लेगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू। ये देखो बहुत लोग परेशान होते हैं कि इस तरह का मैट में जाओ ऐसा गंदा हो जाता है भाई, तो कैसा क्लीन करें, है ना, काफ़ी दिक्कतें होता है। ये देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो कितना गंदा है, डिफरेंस देखो यहाँ पर और यहाँ पर, आपने देखा डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर ऐसे सेम इधर भी ऐसे ही करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जगह ताकि आपको डिफरेंस दिखना चाहिए ना। ये देखो ऐसा घिसोगे ना तो उसको डीप क्लीन करके बाहर आ जाएगा। ये देखो ठीक है, यहाँ पर देखो कैसा है और यहाँ पर देखो कैसा है, डिफरेंस देखो। चलो अब हम इसको भी ऐसा ही सेम क्लीन कर लेंगे और फिर देखना पूरा फुल डिटेल देखना कैसा क्लीन हो जाता है। भाई साहब सक्शन पावर तो ज़बरदस्त है, एकदम दम है मशीन में, दम है। ये देखो कैसा क्लीन हो गया है, और भी अच्छे से करना। मतलब ये जो सिर्फ एक मिनट में मैंने क्लीन किया है, एक मिनट में इतना ज़बरदस्त ये है रिजल्ट है इसका। और जैसे आपको अच्छे से टाइम देगा तो जितना ज़्यादा अच्छा क्लीन करोगे भाई साहब एकदम चकाचक हो जाएगा। और इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस है। ये देखो जैसे मैं इसको सीट को मारूंगा ऐसा कितना डस्ट उड़ रहा है आपको देखा है। देखो ये पूरा डस्ट है, आपको देखा है ये पूरा डस्ट है ना। अब क्या करेंगे इसको, देखो खाली जो सूखा वाला सीट को ना उसको ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो देखो सूखा सीट को ऐसा करो। हाँ ऐसा करने से क्या होता पता है, जो अंदर सीट के अंदर का जो डस्ट है ना वो बिल्कुल निकल जाता है और आपका जो कपड़ा वगैरह है वो गंदा नहीं हो जाएगा। ऐसे दिखता नहीं है कचरा, लेकिन जैसे आप इसका हाथ मारोगे ऐसे डस्ट होता है। देखो भाई अभी क्या हो गया, देखो डस्ट कम हो गया, अब हाथ मारने से क्या हो जाएगा वो डस्ट नहीं दिखेगा। ये देखो मैंने अपना कार में सीट कवर नहीं लगाया हूँ, जैसा वैसा रफ एंड टफ चल रहा है, इस वजह से क्या ज़्यादा गंदा हो गया है। जैसे मैंने इसको अभी मार दिया ना देखना अभी पूरा डस्ट गायब हो जाएगा। ये देखो अब देखो डस्ट डस्ट नहीं उड़ रहा, अभी डस्ट गायब हो गया क्या भी देखना अभी पीछे का भी सेवन जगह कर दिया। ये देखो डस्ट देखो, हाँ ये देखो मारना से पूरा डस्ट होता है ना, और जैसे ही इसको मारूंगा ना इससे इसको अप्लाई करूंगा देखना कितना खूबसूरत तरीके से है ना एकदम क्लीन हो जाएगा, डस्ट वगैरह सब गायब हो जाएगा। ऐसा भेज दिया मैंने, ये होता है इंटीरियर क्लीन करने का तरीका। अब उसमें से दस मिनट दस गायब हो गया, एक सेकंड में दस गायब हो, भाई साहब ये तो जादू है। और ये देखो आपको गंदा दिख रहा है, ये देखो मैंने मैट लगाने के बाद भी साइड में पूरा गंदा गिर गया पूरा, देखो धूल मत थी। अरे यार ये मैट को धूल नहीं हो रहा है, तो मैट को रहें तो मैट एक अच्छे पकड़ के रहता हूँ। देखो यहाँ पर दिखाओ, देखो कितना गंदा है साइड में, है ना, इसको वैसे ब्रश मारेंगे फिर ऐसे ही देखना पल भर में क्लीन हो जाएगा। देखो क्योंकि इसमें सक्शन पावर इतना ज़्यादा है ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, देखते ही देखते क्लीन कर देता है। देखो हाँ मैं लेफ्ट हैंड से नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, हाँ ऐसा ये देखो ये देखो क्लीन, देखो क्लीन हो जाएगा। आपने देखा ये देखो यहाँ पर देखो कैसा है ब्लैक और यहाँ पर देखो कितना गंदा, डिफरेंस देखना आपने। तो दोस्तों अब ये काम करेंगे, पहले मैं मशीन को बंद करता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये काम करेंगे फिलहाल, आपने पूरा कार को आपने देखा इस तरह का गंदा है, और भी दिखाऊं देखो ये साइड में ऐसे गंदा है ना, मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ पूरा अंदर दिखाता हूँ। देखो ये भी ऐसे ही पूरा गंदा है, देखो ये देखो पूरा गंदा है, आपने पहले ये देख लो क्या हालत है ना कार का हालत, वो उधर भी ऐसा ही है ना। और ये भी दिखाता हूँ, इधर भी दिखाता हूँ, देखो ये देखो पूरा गंदा देखो जरा कैसा है, ये देखो पूरा देखो इधर देखो कैसा है, अब दिख रहा है शिट बहुत ज़्यादा गंदा। मैं अपना कार का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, देखो हालात देखो, ऐसा किसी कार के अंदर रहता है क्या, लोगों के पिकअप में ऐसा गंदा रहता है जैसे मेरा कार के अंदर है। तो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को ना ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इतना प्रॉपर अच्छे से इस वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि भाई इंटीरियर देखना किस तरह का चकाचक एकदम क्लीन हो गया है।
दोस्तों देखो जो हमारा जो लड़का लोग है वो लोग मैट वगैरह बाहर निकल रहे हैं, है ना। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इस मशीन को तो बाद में लास्ट में यूज़ हो जाएगा वैक्यूम को खींचने के लिए। सबसे पहले जो मैट वगैरह बाहर निकलने दो, तब तक मैं काम करता हूँ वो जो फ्लोर है उसमें नीचे पानी गिराता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोर कैसा क्लीन करना है। जो फ्लोर का जो पानी अगर गिर जाए आपके घर में, अगर कुछ ऐसा है गंदा है गिर जाए तो कितना आसानी से खींच लेता है, मैं आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली आपको मैं ऐसा यूज़ करके बताता हूँ, करेंगे। दोस्तों ये देखो, ये हमारा समझ लो घर का अंदर का फ्लोर है, ऐसे हमारा बरांडा है ये, हमने यहाँ पर पूरा पानी गिरा देंगे, ठीक है। ये देखो पूरा नल से ना पूरा पानी गिरा देंगे, देखो पूरा गंदा हो जाने दो, मतलब पूरा गीला हो जाने दो, क्योंकि गंदा तो ऑलरेडी है, गीला का गंदा हो जाता है गंदा हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से गीला करेंगे इसको, फ्लोर को भिगा देंगे पूरा, ऐसा समझो आपका घर का जो फ्लोर है यहाँ पर ऐसा अंदर से ऐसा क्लीन करना है, या तो इस तरह का गंदा हो गया है, इस तरह का गीला भी हो गया, ठीक है। ये देखो अच्छे से पूरा गीला कर लिया हमने, देखो पूरा पानी पानी हो गया है, ये देखो आपको दिख रहा है ना। लेकिन इस वैक्यूम से हम इतना सुख खींचेंगे, इतना क्लीन कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, यहाँ पर हम डायरेक्टली सो सकते हैं, हमारा शर्ट को गीला भी नहीं हो जाएगा, इतना देखना ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, है ना, इतना पानी गिराने के बाद भी। चलो जाओ पानी बंद कर दो, पाइप बंद कर दो, हम यहाँ पर देखना इतना अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इतना मशीन में दम है, हमको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। चलो तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, ये एक्सटेंशन जो पाइप है वो, और ये जो ब्रश वाला ये मैट क्लीन करने के लिए होता है, फ्लोर मैट होता है ना बहुत लोगों का, चादर वगैरह होता है वो क्लीन करने के लिए ये होता है ना, ये वाला ब्रश वाला। लेकिन हम क्या यूज़ करने वाले, ये रबड़ वाला, दो टाइप का दिया भाई साहब कंपनी वाले ने, बहुत सही काम किया है, दो टाइप का दिया, किसी किसी कंपनी वाले से भी एक टाइप का देता है, खाली ब्रश देता है, ये तो खाली ऐसा वाला देता है, लेकिन दोनों दिया है कंपनी वालों ने, ये तो अच्छा काम किया है। तो एक काम करेंगे अभी इसमें से ये निकाल देंगे, ये देखो इसको निकाल दो और फिर इसको लगा दो ऐसा, ये अब इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, देखना ये देखो, वाओ ये देखो, जहाँ से भी ये जा रहा है वैक्यूम क्लीनर, देखो एकदम क्लीन, ये देखो ये जो टाइल्स है वो रफ टफ है, समझो रफ टफ है, उसके बाद भी पूरा एकदम क्लीन कर लेगा, प्लेन टाइल्स नहीं है, और जानबूझ के मैंने प्लेन टाइल्स पे नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको इसका इफेक्ट समझ में आए ना, इस वजह से देखना पानी कैसा खींच लेगा, ये देखो जहाँ से भी मैं लेके जा रहा हूँ पूरा पानी गायब, ये देखो गायब, ये देखो वाओ, ओ हो जहाँ से मैं ब्रश लेके जा रहा हूँ, ये देखो ये जैसे ये पानी है ठीक है, आपको दिख रहा है, ये देखो ये पानी, देखो जैसे मैं इसको लेके जाऊँगा, ये देखो पानी गायब तुरंत खींच लेता है, ये देखो आपको दिख रहा है एकदम पल भर में कैसा क्लीन कर देता है, देखो ये देखो पूरा मट्टी वट्टी धूल मट्टी सब खींच लेगा, कोई आपको पोछा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, ये देखो कितना फास्ट जो है ना एकदम क्लीन हो जाएगा, देखो पानी गायब। दोस्तों ये देखो हमने 2 मिनट के अंदर पूरा फ्लोर को हमने क्लीन कर लिया, पूरा पानी मैंने सूख गया है। अब देखो यहाँ पर मैंने पानी गिराया था और अभी मैं आपको यहाँ पर सो के दिखाता हूँ, ये देखो पूरा एकदम गीला था फ्लोर और हमने बिल्कुल एकदम सूखा दिया है, देखो कुछ भी नहीं हुआ है ना, पूरा देखो सूखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। तो यही तो जादू है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों चलो फिर से हम अभी कार का जो इंटीरियर जो हमने पूरा तरीके से अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, देखना कार अभी कैसा अंदर से चमक रहा है। तो दोस्तों देखो हमने पूरा इंटीरियर क्लीन कर लिया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो अंदर बिल्कुल एकदम चकाचक फुल डार्क ब्लैक हो गया, आपने देखा। चलो मैं आपको सब दिखाता हूँ हर तरफ, ये देखो ब्लैक, ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन, और क्या हाल था आपने देखा ना, मैं आपको वो साइड भी दिखाता हूँ, ये देखो पूरा ब्लैक हाँ, और कितना गंदा हो गया था, ये देखो पूरा एकदम क्लीन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आपको अगर मशीन लेना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो, है ना। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये जो स्ट्रेचेबल पाइप है कुछ हटके, देखो ये वाला बटन है ना, बाकी ये देखो पाउडर कोटिंग है, कई सारा इस मशीन में कुछ हटके कुछ अलग से कुछ दिया हुआ है जो इस 35 लीटर की इस रेंज के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाला मशीन आपके सर्विस सेंटर के लिए बोलो, या अपने हैवी ड्यूटी किसी घर के लिए काम के लिए बोलो, आप ले सकते हो, कमर्शियल यूज़ के लिए वाला मशीन आप ले सकते हो, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।